नमस्कार, मैं हूं हर्ष कुमार झा और आप देख रहे हैं एटीबी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं आया हूं अट्टा के मेन मार्केट में और यहां पे मोदी जी के बारे में क्या राय है मैं वो लोगों से जानना चाहूंगा। आइए चलते हैं पब्लिक के बीच। मोदी जी प्रधानमंत्री है ही और उनके काम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। मैं मोदी जी का सपोर्टर हूं। अच्छा, तो आप किसके साथ क्या देखेंगे? मोदी जी। मोदी मोदी। अच्छा, मोदी सरकार क्यों देखेंगे? हां, काम अच्छे कर रही है, रोड वगैरह बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं? नहीं, हम कांग्रेस सपोर्ट नहीं करते, मोदी। हाँ, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन हम वोट मोदी को देंगे, बीजेपी। मोदी जी के बारे में तो वह तो काफ़ी कुछ वैसे बोल रहे हैं। एक्चुअली मोदी जी की सबसे बढ़िया हमें पॉलिसी ये लगी है कि एक तो हर स्टेट में जो जात पात का मुद्दा था, लगभग मोदी जी के आने से अब ये चीज़ खत्म हुई है कि यादव है या कोई और कास्ट है। तो देश के लिए बहुत अच्छी बात रही है कि एक तो जात पात को लेकर के कुछ चीज़ों में इनमें भी कमी आई। दूसरा, एजुकेशन की पॉलिसी में बहुत बढ़िया था। तीसरा, मेरे खुद भी फैमिली से काफ़ी सारे लोग आर्मी में हैं, तो जहाँ तक जितना भी ये पुलवामा कांड हुआ, ये आगे भी जो भी देश के लिए रही है, उसमें मोदी जी के जो डिसीजन थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और ख़ासतौर पे जो बच्चों के लिए, जितने भी चाहे गर्ल्स के लिए हो, छोटे बच्चों के लिए हो, जो एजुकेशन से लेकर के उनकी लाइफ के लेके जो पॉलिसी चलाई है वो बहुत बढ़िया है नॉर्मली। और मेरी बच्ची तो मोदी जी को बहुत लाइक करती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बता दो आप, जो बोला था जो बाबा को मोदी जी को बताया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जल्दी बोल दो। कौन सा? मोदी इज ग्रेट बोल दो। मोदी इज ग्रेट। थैंक यू बेटा जी। मैम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो इस बार मोदी को ही आना चाहिए, फुल सपोर्ट मोदी को ही जाएगा। राहुल जी क्यों नहीं आना चाहिए? आई डोंट लाइक राहुल, उनकी ना तो मुझे बातें पसंद आती है, ना तो कुछ सेंस लगता है। और मोदी जी जो भी बोलते हैं उनमें एक सेंस होता है, कुछ सिद्धांत होती है। उन्होंने नेशनल से इंटरनेशनल स्टेज पे उभारा इंडिया को, जो आज तक मेरे ख्याल से कांग्रेस तो नहीं कर पाई। वो केवल अपना मैं केवल मोदी ही देखना चाहती हूँ कि जब 60 साल में कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाए, तो अब 5 साल में इतना कर दिए मोदी जी जो 60 साल में नहीं हुआ था। पब्लिक इतना खुश है, राहुल के क्यों ऐसे, न उनको नॉलेज है, कभी नहीं आए हैं, और उनको सीधा एक बार कमान थमा दिए, वो कर क्या कर पाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो सिर्फ लोग को बहका रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो 60 साल में नहीं हुआ अब क्या करेंगे? वो कुछ नहीं हो सकता है उनकी सरकार में। अच्छा, मोदी जी से क्या फ़ायदा मिला? हमें पूरा दुनिया खुश है मोदी जी से। हर चीज़, हम लोग का गाँव में बिजली नहीं था, गैस के लिए हम लोग 3-3 बजे रात से लाइन लगते थे, फिर भी नहीं मिलता था एक एक महीने, और पूरा घुसखोरी होता था गैस में, 202 भैया अभी मिल जाएगा, नहीं तो लाइन में लगे रहो। ये सब चीज़ मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोग मोदी जी को सपोर्टर हैं। राहुल को नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 60 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप 5 ऐसा नहीं किया राहुल ने आपके कुछ? जब मोदी जी 5 साल में इतना कर सकते हैं, न उनका राम मंदिर का कोई मुद्दा उठाते हैं, नहीं गरीबी का, नहीं गैस कनेक्शन, जैसे बिजली हो गया, अभी मोदी जी के राज में हमारे बिहार में इतनी अच्छी रोड बन गए, इतनी अच्छी बिजली मिल रही है, इतनी अच्छी गैस मिल रही है, हर चीज़ मतलब मोदी जी किए हैं। किसी गरीब का खाता नहीं खुला था, वो भी खुलवा दिए हैं। मोदी जी से हम लोग बहुत खुश हैं। राहुल जी से हम लोग खुश नहीं है, नौजवान जो है राहुल जी से खुश नहीं, मोदी जी नौजवानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, बस मोदी जी से हम लोग खुश हैं। 5 साल में मुझे एक्सपीरियंस है, हम लोग की उम्र 20 साल हो गई है, तो 15 सालों से देखते जा रहे हैं जो राहुल जी ने कुछ नहीं किया। 5 साल में बहुत परिवर्तन हुई है भारत की, आर्थिक स्थिति तो और मजबूत हुई है, इसलिए मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो आने वाले दिनों में और अच्छे करेंगे, बस यही कहना चाहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हिंद। मोदी जी जिंदाबाद, ये तो ज़रूर है, क्योंकि उनके आने के बाद बहुत काम हुआ है। बट ये हम कहना ज़रूर चाहेंगे कि इस वक्त ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मोदी जी ऑपोजिशन से स्ट्रांग है लेकिन अपने आप में उतने स्ट्रांग नहीं है जितने होने चाहिए। तो हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि हमारा वोट उनके साथ ज़रूर जाएगा, लेकिन अभी उनको बहुत काम करना है और बहुत बहुत वादे जो उन्होंने किए हैं वो ज़रूर निभाने हैं, हम एक मौका और ज़रूर देंगे। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और विकास उनका नंबर एक पे काम कर रहा है, उससे ज़्यादा विकास कोई नेता कर ही नहीं सकता। वो एजुकेशन के क्षेत्र में चाहे देख लो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देखोगे, बड़ा अच्छा विकास कर। किसकी सरकार देखना चाहेंगे? तो हम देखना चाहते हैं बीजेपी की सरकार, और ये बीजेपी 100% आएगी। आप किसकी देखना चाहते हैं? मैं मोदी जी को वोट करना चाहती हूँ। हाँ जी।
अच्छा, जो मोदी जी है वो और भी ज़्यादा डेवलप करें, और जो भी मतलब कि बढ़ते बेरोजगार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी लाएं। ओके, लोकसभा चुनाव के बारे में पहले से डिसाइडेड ही है, मोदी जी का ही है। मोदी जी का, हाँ, राहुल क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में, सबसे ज़्यादा जैसे कि नॉलेज के बारे में, ऑब्वियसली जो ज़्यादा टैलेंटेड बंदा होगा उसी को देंगे ना। मोदी जी मोर एक्सपीरियंस पर्सन है एज कम्पेयर टू राहुल, राहुल इज अ न्यू बर्ड। हाँ, अगर और छोटे चुनावों की बात करें तो वो आ सकते हैं अपने उस चीज़ के अंदर, बट हाँ कंपैरिजन करें लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो राहुल मुझे लगता नहीं है कि कैंडिडेट हैं उस लेवल के कि उसको कम्पीट कर पाए मोदी जी, यही रीज़न है, अदरवाइज आई एम नॉट अगेंस्ट राहुल, दिस इज द ओनली रीज़न। हाँ बिल्कुल, मोदी जी इसमें पूछना क्या है, हाँ बिल्कुल नहीं, सेम राय की बात नहीं है, वो तो सभी को दिख ही रहा है, बिल्कुल दिख रहा है इसमें तो कोई, ऐसा क्या दिख रहा है? देखो मैं एक बैंकिंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि किस लेवल पे बातें हो रही हैं, और एक्चुअल में हमारा जो इंडिया है वो किस लेवल पे पहुँच चुका है कंपैरिजन टू पहले जो था, ठीक है, तो हमें दिख रहा है जो चेंजेस हैं सबको पता है, और जो हमने पीछे इतने सालों में देखा है, इवन ठीक है हम भी 25-26 साल के हो चुके हैं, ये तो नहीं कह सकते कि हमने 60 सालों से देखा है, लेकिन जो जितने सालों में देखा है वो तो हमें दिख ही रहा है ना, बिल्कुल मोदी को है, नो डाउट। बाद में ये कहना कि राहुल जी अभी कुछ जानता ही नहीं राजनीति के बारे में, मैंने जो विकास के बारे में बताया, मोदी जी ऐसा उन्होंने ऊपर लेवल का बहुत विकास किया है, और वो जानते हैं कि आगे विकास करना है तो मोदी को ही जिताना पड़ेगा, बीजेपी को ही वोट देना जरूरी है, क्योंकि विकास ऊपर लेवल से विकास और नीचे भी सबको दिख ही रहा, जगह गड्ढे भी बड़े हुए हैं वो भी बंद हो गया है, और हर जगह उन्होंने सब जगह काम किया, और जितने हर जगह जो इम्प्लॉयज़ थे उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और उन्होंने इम्प्लॉयज़ के लिए इतना करता है PF चल रहा है, हर चीज़ ओपन कर दिया, UNA नंबर से अपना एक PF चेक कर सकते हैं, कभी वो PF है कभी आदमी वो नहीं करता, पहले PF देख नहीं पाता था, या बहुत लोगों का मर भी जाता था, ऐसे पॉलिसी चलाई हैं और उन लोगों को मतलब फ़ायदा दिया इम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि आगे भी अगर करना है तो इनको जिताना ही पड़ेगा।